बोल बाम बोलो। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं सुल्तानगंज से 8:30 बजे। ऐसा कुछ में जा रहा है सुल्तानगंज का। सब लोग जल उठा के यहाँ से चले हैं, अभी जो घर जाना है। बाबा बोला बता रहे सपना में लंबे लंबे तांबुजंग तुंग मालिमा ऐसे। ये सब पानी बह रहा नहीं, ये सब नहाने के लिए है। यहाँ पे अपना कावर रख के बाद पे और नहा कर ऐसे ऐसे ही है। आपको हर साल मिलेगा, जितना आप दान कर सकते हो उतना कम पड़ जाएगा। ठीक है, जो लोग चल के थक जाते हैं उन लोग के लिए आराम करने के लिए चेयर वेयर रहता है। अभी हम लोग सुल्तानगंज से जल लेकर के लगभग 18 किलोमीटर के आसपास चले हैं, जिसमें तीन बार चार बार बैठे हैं। ठीक है, अभी तक तो खाना नहीं खाए हैं, लेकिन नाश्ता किया है, मिक्सचर वगैरह कुछ कुछ। ठीक है, बाबा के पास जाना कोई भारी बात नहीं है, बस आपका बुलावा आना चाहिए और आप में वो हिम्मत होना चाहिए। बस यहाँ जाने के लिए तो कोई भी जा सकता है। बाबा के जब बुलावा आते हैं तो सब हम लोग सब खाली पैर ऐसे ही चल के जाते हैं और ऐसे यहाँ पे कावर रखते हैं, जैसे टांगा हुआ है ना ऐसे कावर रखते हैं। उसके बाद कावर को जब उठाएंगे तो उधर पानी गिर रहा है वहाँ पे, यहाँ पे जैसे वो स्नान कर रहे हैं तो ऐसे स्नान करके फिर आ करके यहाँ पे और उठक बैठक करके फिर से कावर को उठाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर से चलना है। जब तक आप चल सकते हैं तो यहाँ आने के लिए वैसा नहीं है, बस आपका बुलावा आना चाहिए भगवान जी से। हेलो, तो अब चलना पड़ेगा आप इन लोगों का। अच्छा, ऐसे सभी लोग बोल बम का नारा लगाते हुए चल पड़ते हैं बाबा की ओर। मुंगेर जिला
24 घंटा मेरे लोग को जल चढ़ाना रहता है सुल्तानगंज से देवघर बाबा जी के पास, ठीक है। मेरे पास दो जल हमें, एक दो जल मेरे पास है, एक भैया का एक मेरा, ऐसा कुछ नज़ारा रहता है शाम। सब लोग बेचारा थक जाते हैं, ये थक के सोए हुए हैं। ये छोटे बच्चे देख रहे कितने छोटे हैं, उससे भी छोटे छोटे लोग जाते हैं। और आश्रम क्या है, सुइया भुलिया धर्मशाला है, यहाँ आज रुक सकते हैं। और दवाई का दुकान हर जगह मिल जाएगा तो कैसे रुपए लिट्टी है। ठीक है हम खाएंगे भी, लेकिन ऐसे मोमेंट मिलना हाँ हम बहुत कम मिलता है। भोले के भगत के दम खा के सहारा पड़ता।
देखो इन दोनों का भाई बहन का प्यार है। बोल बम है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। कैसा लग रहा है आपको? टावर उठा के हमरे अलग कर दो अभी। गोरियारी नदी में पानी का बहुत तेज होते हुए अभी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी सभी बम लोग अभी यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं, अपना अपना इंजॉयमेंट ले रहे हैं। हम दो दिन से निकले थे सुल्तानगंज से जल कर करके, अभी तक बारिश नहीं हुआ था, आज बारिश हुआ है। सबके कावड़ लिए हुई है, सब कुछ फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन इन लोग कभी है। चलिए अब आगे चलते हैं, बारिश का मजा लेते हुए बाकी देखिए दिखाते हैं आपको आगे चल के। फिलहाल तो गर्मी बहुत लग रहा था, दोपहर में चलने में पैर जल रहा था, लेकिन अभी ठीक हो गया है। ये तो बम आज दिन में तो नहीं नहाया था, लेकिन नदी में आके आज कूद कूद के नहा लिया है, तो वो भी प्लास्टिक ओढ़ के नहा रहा था। भोले बाबा हम लोग के साथ आज दर्शन देते हैं, देखिए भोले बाबा है वहाँ पे जाके। पहले एक घोड़ा है इधर, पानी का मजा लेते हुए ये गोरियारी नदी पार कर चुके हैं। अभी झारखंड बॉर्डर जाना है। देखिए थोड़ा सा बारिश हुआ तो झरना बहने लगा गोरियारी नदी के बाहर में, यही वाला पानी गोरियारी नदी में जाता है। बताइए तो आइए बम जी, छोटू बम ठंडाने के बाद सब बम की नगरी चल चुके। बोल बम बोल बम
बोल बा बोल बा बोल बा हम बैद्यनाथ मंदिर के करीब आ गए हैं बाबा की नगरी और अपना बिहार को अब छोड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ देर में हम अपने बिहार को छोड़ देंगे और झारखंड में प्रवेश करेंगे। लगभग 90 कितना उधर हो गया 92 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा कुछ अपना बिहार और झारखंड का बॉर्डर। इसमें सुल्तानगंज मेरे ख्याल से इतना इससे ज़्यादा है, इससे कम नहीं। और अभी हम लोग बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर पहुँचे और ये रही मेरी मम्मी। आज तीसरा दिन है हम लोग का, मतलब 1 2 3 हाँ तीसरा रात आज है मेरा। हम लोग अभी झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर हैं और इन लोग कांवर रख दिया गया है। उसके बाद फिर रुकने का व्यवस्था, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सुंदर लग रहा है, ये मेरी मम्मी। अरे ये लोग, ये तो बंदर है, बंदर यार। और अब हम लोग बिहार छोड़ करके झारखंड में प्रवेश हो रहे हैं। जय राम झारखंड का बॉर्डर। ये है झारखंड की कुछ हल्की बॉर्डर पे ही मिलता है ये चीज। और इधर प्रोग्राम हो रहा आज, हमारे सुपरस्टार कल्लू जी आए हैं। देखिए बहुत भीड़ लगा हुआ है। बहुत ज्यादा भीड़ है। प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आज तीन लोग आए हुए, निशा उपाध्याय, कलू, अरविंद अकेला कलू। आइए ना हमारा बिहार में, लेकिन हम अभी बिहार में नहीं है। हाँ तेरे 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 हा
दुकान है यहाँ, देखिए कितना सारा पेड़ा का दुकान। बासुकीनाथ में है नगर पंचायत